नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फरुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। भाजपा नेता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व सदर विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार राजीव चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर नवभारत सभा भवन फरुखाबाद में विशाल श्रम योगी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए श्रम योगी मेहनतकश लोगों को सम्मान किया गया व सरकार की उपलब्धियों के बारे में श्रमिकों को बताया गया व श्रमिकों के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही गई। इस दौरान राजीव चतुर्वेदी ने कहा, श्रमयोगी व मेहनतकश लोग ही सही मायने में देश के विकास में असल सहयोगी हैं। श्रमिकों को प्रशस्ति पत्र व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें, राजीव चतुर्वेदी स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में सदर विधानसभा फरुखाबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। इस दौरान श्री चतुर्वेदी ने कहा, जनता परिवर्तन की मांग कर रही है। यदि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलती है तो वह चुनाव दमदारी से लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनाएंगे। उन्होंने कहा, आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिमलेश बाथम व संचालन प्रदीप वर्मा ने किया। मंचासीन अतिथि प्रदेन्द्र फौजी, प्रकृति देव पांडे और ठकुरी पांडे, सर्वेश पाठक, राधेश्याम चतुर्वेदी, कुंवरजीत सिंह पूर्व सभासद व दीपक शाक रहे। इस दौरान रवि श्रीवास्तव, आशुतोष अग्नित्री, दुष्यंत सिंह, रिंकू राजपूत, विवेक अवस्थी, मुकुल राजपूत, सतीश चंद दीक्षित, विजय प्रताप सिंह, अभिषेक शाक, शंकर गुप्ता, अंचल गुप्ता व बड़ी संख्या में श्रमयोगी मौजूद रहे। आपको हमारी अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें और न्यूज़ इंटरव्यूज लाते रहेंगे। नमस्कार।